गुरु गोविंद सिंह के 350वें जन्मोत्सव के मौके पर पटना में प्रकाशोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। गुरु पर्व का आज मुख्य कार्यक्रम है, गुरु पर्व की आज मुख्य पूजा है। सुबह से ही अरदास शुरू है और पटना साहिब में आज देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पटना साहिब गुरुद्वारे में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है, तो वहीं गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम हो रहा है। गांधी मैदान में बने मुख्य हॉल में आज प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो रहे हैं, वहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। वहीं प्रकाश उत्सव में शामिल होने पीएम मोदी पटना पहुंच चुके हैं और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट पर मोदी की आगवानी की है। तो ये तस्वीरें देखिए, खास जहां पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनकी आगवानी के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां मौजूद रहे। तो इससे पहले कुछ मौके ऐसे आए जिसमें इस तरह के कार्यक्रम को अवॉइड करने की कोशिश की नीतीश कुमार ने, लेकिन अभी वो मोदी की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर दिखे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली के शीशगंज साहिब गुरुद्वारे जाकर मत्था टेका है और इस दौरान अमित शाह ने सभी को प्रकाशोत्सव की बधाई दी है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रकाश पर्व के मौके पर आज भोपाल के हमीदिया रोड गुरुद्वारे जाकर मत्था टेका।